गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, जो कि होमोजीनियस नहीं है लेकिन जिन्हें हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम भी हमने देखी थी उस पर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने एक रिस्ट्रिक्शन इसमें बताई थी। हमारे पास इक्वेशंस थी dy by dx is equal to ax plus by plus c अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी टाइप की। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमने एक नए वेरिएबल्स उसमें इंट्रोड्यूस किए थे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। और इसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शंस बताई थी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, इसमें स्मॉल ए बाई कैपिटल ए और स्मॉल बी बाई कैपिटल बी, यानी कि एक्स और वाई के कोफिशियंट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनके रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल बी बाई कैपिटल बी। अब आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें ये रेशियो इक्वल हो। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो हमने जैसे कल डिस्कस किया था उस तरह से करना है, हमने नए वेरिएबल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इंट्रोड्यूस करने हैं, और उसके बाद में जैसे अपन ने कल डिस्कस कर चुके थे हमने उस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो इन केस हम क्या करेंगे, ये हम कह चुके हैं कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो जो मेथड हमने कल डिस्कस किया था वो अडॉप्ट नहीं करना है। तो अगर वो मेथड अडॉप्ट नहीं करना है तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम आज देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये बताता हूँ। Solve the differential equation 4x plus 6y plus 5dy minus 3y plus 2x plus 4 dx equal to 0। ये एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन में दे रखी है 4x plus 6y plus 5dy minus 3y plus 2x plus 4 dx equal to 0। अब देखिए ये इक्वेशन में dy के साथ में y के साथ y और x दोनों की टर्म है, dx के साथ में भी x और y दोनों की टर्म है, यानी हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। और जो टर्म्स है वो सारी ये 1 डिग्री की, ये 1 डिग्री की, ये कॉन्स्टेंट, ये 1 डिग्री की, 1 डिग्री की, कॉन्स्टेंट, यानी कि इक्वेशन अपनी होमोजीनियस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये इक्वेशन जो है किस तरह के, मैं इसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टाइम की फॉर्म में लिखता हूँ। ये माइनस है उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डी एक्स में जल्दी आता हूँ कि इक्वेशन रहेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है टू एक्स प्लस 3y प्लस 4 अपॉन ये टर्म 4x प्लस 6y प्लस 5। ये देखिए ये इक्वेशन इस तरह की है, dy by dx is equal to ax plus by plus c upon capital ax plus capital by plus capital c type। ये इक्वेशन ऐसी है जिसे हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन हमने कल बात की थी कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले कि रेशियो चेक करें तो यहाँ x के कोफिशिएंट का रेशियो जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो है 2/4 यानी 1/2 और y के कोफिशिएंट का रेशियो है 3/6 यानी 1/2। ये 2/4 और ये 3/6, 1/2 ये भी 1/2। ये रेशियो इक्वल है, यानी कि हमने जो मेथड पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं उस मेथड से इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो हमने कुछ और चीज सोचनी है। अब देखिए कुछ और क्या हो सकता है। ये देखिए इसमें ये जो कंडीशन है इसमें अगर मैं इन दो टर्म्स में से देखता हूँ मुझे टू कॉमन मिलता है, अंदर रहेगा 2x plus 3y। ये देखिए सेम ये टर्म जो हमारे पास ऊपर थी, ये 2x plus 3y यहाँ भी है, 2x plus 3y यहाँ भी है। अब मैं ये कंडक्टिविटी लाइक 2x plus 3y इसे मैं कुछ एक नया वेरिएबल नाम दे देता हूँ, से u कर ले। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस वन विद रिस्पेक्ट टू x,
कैपिटल 2 प्लस 3 dy by dx is equal to du by dx. I'll say dy by dx is 1 by 3 du by dx minus k. k2 हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ रह गया था 3 dy by dx is equal to du by dx minus 2. So dy by dx is 1 by 3 times of du by dx minus 2. Say this is equation first, second, and this one is equation third. So equation second or equation third same, you are dy by dx to have equation first one put karne. Using equation second and third in equation first, you get it. dy by dx से dy by dx हमारा हो गया 1 by 3 du by dx minus 2 is equal to 2x plus 3y. 2x plus 3y is u plus 4 upon 4x plus 6y यानी twice of u plus 5. अब ये 3 में इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास रह गया du by dx minus 2 equal to 3 times of u plus 4 upon 2u plus 5. और से du by dx is equal to 3u plus 12 upon 2u plus 5 plus 2. ये माइनस का 2 था, इसको हम उधर शिफ्ट कर लें, ये हो जाएगा प्लस का 2 हो गया. अब इन दोनों में एलसीएम ले, 2u plus 5 एलसीएम आ गया, ऊपर हमारे पास यहाँ है 3u plus 12 plus ये हो जाएगा 4u plus 10. ये हमारे पास रह गया 3u plus 4u 7u plus 12 plus 10 22 upon 2u plus 5. ये हमारा आ गया du by dx. अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, ये कंप्लीट टर्म u की है, इसे इधर ले आते हैं du के साथ में और dx को हम उधर शिफ्ट कर दें, तो ये मेरे पास रह गया 2u plus 5 upon 7u plus 22 du is equal to dx. अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो हम इंटीग्रेट कर लें इसे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, प्लस 5 अपॉन 7u प्लस 22 du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. अब देखिए ये इंटीग्रेशन करने के लिए ये मैं 2 बार कॉमन ले लूं, या कहने 2 बाय 7 में बार ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास ऊपर रह गया था u प्लस 5 बाय 2 और नीचे रह गया u प्लस 22 बाय 7. अब देखिए नीचे मेरे पास है u प्लस 22 बाय 7, तो मैं 22 बाय 7 प्लस कर लेता हूँ, 22 बाय 7 का ऊपर माइनस कर लेता हूँ. अब ये u प्लस 22 बाय 7 डिवाइडेड बाय u प्लस 22 बाय 7 इट इज 1 प्लस 5 by 2 minus 22 by 7 upon u plus 22 by 7. तो ये जो टर्म थी 2u plus 5 upon 7u plus 22, इसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया है. इट इज 2 by 7, 1 plus 5 by 2 minus 22 by 7 upon u plus 22 by 7.
ये रह गया 1 प्लस 5 बाई 2 माइनस 22 बाई 7, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ तो 14 एलसीएम आ गया अपने पास, उत्तर रह गया 10 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 22 बाई 7। अब ये देखिए 10 माइनस 44 इट इज माइनस 34 डिवाइडेड बाय 14 अपॉन 2 प्लस 22 बाय 7 और 2 बाय 7 इनटू 1 माइनस 34 बाय 14 इट इज 17 बाय 7 अपॉन 2 प्लस 22 बाय 7 डी। हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, देन अब इसे हम इंटीग्रेट कर लें, तो ये हो गया 2 बाई 7, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू इज यू माइनस 17 बाई 7 तो कांस्टेंट है, ऐसे चल जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 22 बाई 7, इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा लॉग ऑफ यू प्लस 22 बाई 7 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स एंड प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए यहां पे मैं ये सेवन एलसीएम ले लेता हूं, ये सेवन एलसीएम हमारा बाहर रखे बाहर हमारे पास रह गया 2/49 और उसका रह गया 7u माइनस 17 log u plus 22 by 7 equal to x plus c। अब ये 49 को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास रहेगा 40u minus 34 log u plus 22 by 7 equal to 49x plus 49c। अब u की वैल्यू पुट अप कर ले, u हमारा था 2x plus 3y तो यहाँ पे u की वैल्यू डाल देते हैं 2x plus 3y। ये 49c को मैं डैश कर लेता हूँ